दोस्तों, गोरों ने इंडिया पर 1858 से लेकर 1947 तक हुक्मरानी की थी। यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लिस्तान ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की। गोरों ने 100 साल दौरे हुकूमत में बेशुमार अपने पीछे कहानियां छोड़ी हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो मलका विक्टोरिया से शुरू होकर आगरा के शहर के एक मुसलमान हाफिज अब्दुल करीम पर ख़त्म होती है। इस वीडियो में हम आपको आगे जाकर तफसीलन बताएंगे कि मलका विक्टोरिया एक आम क्लर्क अब्दुल करीम को क्यों पसंद करती थी। मलका विक्टोरिया अपने खतों के आखिर पर ट्रिपल एक्स क्यों लिखती थी और उसका क्या मतलब था। मलका विक्टोरिया किस तल्लक से अब्दुल करीम को चाहती थी। मलका विक्टोरिया ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एहसान अब्दुल करीम पर किए थे। मलका विक्टोरिया के मरने के बाद उनके अपने बेटे ने अब्दुल करीम पर कैसे कैसे जुल्म ढाए। दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सन 1887 की बात है जब इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया की ताजपोशी के 50 साल मुकम्मल होने की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, क्योंकि मलका विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की मलका बन चुकी थी और मलका को इंडिया से खास मोहब्बत हो गई थी। मलका अपनी ज़िंदगी में खुद तो कभी भी हिंदुस्तान ना जा सकी, लेकिन उनके महल में हिंदुस्तान की झलक नज़र आती थी, क्योंकि महल में सजीले घुड़सवारों का दस्ता और इंडियन खिदमतगार मौजूद थे। अब गोल्डन जुबली के जश्न पर मलका ने फरमाइश की कि उन्हें दो जाती खिदमतगार इंडिया से भेजे जाएं। ये हुक्म जब आगरा की सेंट्रल जेल के सुप्रिटेंडेंट जॉन टेलर तक पहुंचा, तो उन्होंने अपने मतहत 24 साल क्लर्क अब्दुल करीम और मोहम्मद बख्श को इस फर्ज की अदायगी के लिए मुंतखब किया। मजे की बात यह है कि दोनों मुंतखब होने वाले इंसान मुसलमान थे। इन दोनों खिदमतगारों को अंग्रेजी तौर तरीकों में स्पेशल तरबियत दी गई ताकि मलका उनसे मायूस ना हो। अब्दुल करीम इस कहानी का मेन हीरो है। तो बताता चलूं कि अब्दुल करीम 20 अगस्त 1863 को आगरा में पैदा हुए थे। आपके खानदान के पास हजारों एकड़ जमीन थी जिस पर वो जिम्मेदारी करते थे, मगर अब्दुल करीम ने पढ़ लिख कर जिम्मेदारा करने की बजाय नौकरी करने को तरजीह दी थी और वो आगरा की सेंट्रल जेल में बतौर महरर काम करते थे। अब्दुल करीम को जब मालूम हुआ कि उन्हें मलका विक्टोरिया के खास खिदमतगार के तौर पर चुना गया है, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। हालांकि जेल में उनके ताबे भी कुछ मुलाजम काम करते थे, यानी कि वो एक अच्छी पोस्ट पर थे। अब्दुल करीम और मोहम्मद बख्श जून 1887 को बहरी जहाज के जरिए इंग्लैंड के शहर विंडसर में पहुंचे और इंग्लैंड पहुंचने पर अब्दुल करीम को शाही खाना पकाना बनाने वाली टीम का इंचार्ज बना दिया गया। अब्दुल करीम ने 23 जून 1887 को पहली मर्तबा मलका विक्टोरिया को नाश्ता पेश किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल करीम ने मलका को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जायकों के खाने मुतारफ कराए और एक वक्त ऐसा आ गया कि तकरीबन हर रोज शाही महल में हिंदुस्तानी सालन ही बनते थे। चूंकि अब्दुल करीम पढ़ा लिखा और सलीका वाला इंसान था, जिसकी वजह से वो जल्द मलका विक्टोरिया के पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गया। इसलिए मलका को हिंदुस्तान के बारे में जानने की जस्तजू होने लगी, तो दूसरी तरफ अब्दुल करीम के पास हिंदुस्तान के बारे में मलका के हर सवाल का जवाब मौजूद था। अब्दुल करीम महल के तमाम हिंदुस्तानी अमले में सबसे ज्यादा काबिल थे। यही वजह थी कि वो मलका की नज़र में बहुत जल्द दूसरे तमाम हिंदुस्तानी मुलाजमीन की निस्बत मुमताज हो गए। अब्दुल करीम की उर्दू बहुत अच्छी थी। अब्दुल करीम को उर्दू बोलते सुनकर मलका विक्टोरिया ने कहा कि मैं भी उर्दू सीखूंगी। अब अब्दुल करीम मलका विक्टोरिया को उर्दू सिखाते थे और वो उनके उस्ताद बन चुके थे। मलका गालब और दूसरे बड़े शोरा का कलाम अब्दुल करीम की जुबानी सुनती और महजूज होती। फिर मलका ने अब्दुल करीम को कहा कि वो एक किताबचा शाया करें जिसमें तमाम उर्दू के ज़रूरी अल्फाज को अंग्रेज़ी के तर्जमा के साथ लिखें, ताकि इंडिया में मौजूद हमारी हुकूमत को ज़ुबान को सीखने में आसानी हो सके। अब मलका काफ़ी हद तक उर्दू बोल और लिख सकती थी।
वो अक्सर महल से उर्दू में खत लिखकर अब्दुल करीम को बुलाती थी। मलका विक्टोरिया अक्सर अब्दुल करीम को जो खत लिखती थी तो उसके आखिर पर ट्रिपल एक्स भी लिखती थी, जिसका मतलब था मेरे प्यारे। अब्दुल करीम ने मलका को एहसास दिलाया कि वो इंडिया में एक इज्जतदार ओहदा को छोड़कर इंग्लैंड आए हैं और यहाँ वो खिदमतगार की वर्दी पहने हुए हैं और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मलका अब्दुल करीम को बहुत चाहती थी, पसंद करती थी, तो मलका ने फौरन हुक्म दिया कि अब्दुल करीम आज से मेरा मुंशी है, और साथ ही साथ ये भी आर्डर दे दिया कि महल के फोटोग्राफर के पास जितनी भी अब्दुल करीम की खिदमतगार के लिबास में तस्वीर हैं वो जला दी जाएं, उन्हें तलब कर दिया जाए। अब्दुल करीम जब मलका के मुंशी बने तो दूसरा ओहदा उनके पास मलका के उस्ताद का था, क्योंकि वो मलका को उर्दू सिखाते थे। उर्दू के उस्ताद की हैसियत से मलका रोज सुबह जब वाक को जाती तो अब्दुल करीम को सलाम कहती थी। उसके बाद मलका विक्टोरिया ने अब्दुल करीम को इंडियन सेक्रेटरी बना दिया। अब इंडिया से आने वाली तमाम डाक पहले अब्दुल करीम के पास आती और फिर अब्दुल करीम मलका विक्टोरिया को दिखाते। मलका कई मामलात पर अपनी अटॉर्नी पावर अब्दुल करीम को दे चुकी थी, जिन मामलात में इंडियन गवर्नमेंट को बरतानिया से इजाज़त लेनी पड़ती थी उस पर अब्दुल करीम ही इजाज़त दे दिया करते थे। अब्दुल करीम जब मलका के पास आए थे तो उनकी उम्र 24 साल थी, जबकि मलका की उम्र 68 साल थी। दोनों की उम्रों में बेहद फर्क था। यही वजह थी मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम को जेंटलमैन कहकर बुलाती थी। उन दोनों के दरमियान प्यार माँ बेटे के रिश्ते जैसा था। मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम को अपनी औलाद की तरह चाहती थी। एक बार मुंशी अब्दुल करीम बीमार पड़ गए तो मलका दिन में कई कई दफ़ा उन्हें देखने उनके कमरा में जाती थी, बल्कि वो अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी वहां लेकर बैठ जाती थी और वहीं ही फैसले दे देती थी। लिखने वाले लिखते हैं कि जब अब्दुल करीम बीमार था तो मलका की हालत ऐसे थी जैसे कोई बच्चा गोद ले लिया हो और मलका उसकी देखभाल कर रही हो। मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम को इतना प्यार करती थी कि उन्हें महसूस हुआ कि मुंशी अब्दुल करीम अपने घर वालों से दूर हैं और वो मलका से इस मामलात पर बात तो नहीं करते, मगर उन्हें बीवी बच्चों की याद ज़रूर सताती होगी। तब मलका विक्टोरिया ने हुक्म दिया मुंशी अब्दुल करीम की तमाम फैमिली को इंडिया से बरतानिया शिफ्ट कर दिया जाए। तब मुंशी के घर वालों के साथ दूर के रिश्तेदार, जिनमें बरदर निस्बती, भाई, सास, अहलिया, बहनोई, फुफियाँ, खालाएँ, भतीजे, इंडिया से बरतानिया के शाही महल में मुंतकिल हो गए। अब्दुल करीम के घर का नाम क्रीम कॉटेज था और तमाम फैमिली उस बड़े घर में शाही खर्चा पर रहती थी। अब्दुल करीम के बेटे का नाम अब्दुल रशीद था। मलका विक्टोरिया ने अब्दुल करीम के बेटे अब्दुल रशीद को उन्हीं कॉलेज और स्कूल में तलीम दिलवाई जिनसे उनका अपना बेटा शहजादा एडवर्ड पढ़ चुका था। अब्दुल करीम का बेटा अब्दुल रशीद पढ़ लिख कर बैरिस्टर बना था। अब हम आपको बताते हैं इस कहानी का दूसरा रुख। जहां मोहब्बत होती है वहां नफरत भी होती है। अब्दुल करीम जू जू मलका के करीब आते गए, दूसरी तरफ अब्दुल करीम के आसपास के तमाम लोग, महल का अमला और मलका के अलावा शाही खानदान उनका मुखालिफ हो गया। महल में मौजूद हिंदुस्तानी मुलाजमों ने मुंशी की बुराइयां करना शुरू कर दी। जब भी कोई शाही तकरीब होती तो महल की मैनेजमेंट के गोरे जानबूझकर अब्दुल करीम की कुर्सी निचले तबके के मुलाजमों के साथ लगाते थे। इस बात का अक्सर जिक्र और गिला मुंशी अब्दुल करीम मलका विक्टोरिया से करते तो तब मलका विक्टोरिया मैनेजमेंट को कहती कि अब्दुल करीम का मकाम तमाम मुलाजमों से बुलंद है, मगर मलका का बेटा शहजादा एडवर्ड अब्दुल करीम से सख्त नफरत करता था। जब शहजादा एडवर्ड बादशाह बना तो उसने अपनी माँ को धमकी दे दी कि अगर वो मुंशी अब्दुल करीम का साथ देंगी तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर उन्हें दिमागी मरीजा करार दे देंगे और उन्हें तख्त से भी सबकदोश कर देंगे। दूसरी तरफ अंग्रेज हकाम मुंशी अब्दुल करीम की वफादारी पर शक करते थे,
क्योंकि अंग्रेज़ों को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई थी। वो समझते थे कि मुंशी अब्दुल करीम ने ही राज की बातें मीर अफगानिस्तान को बताई थी, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई। मलका विक्टोरिया मुंशी अब्दुल करीम को सर का खिताब देना चाहती थी, लेकिन उस वक़्त मौजूद गवर्नमेंट ने मलका विक्टोरिया का साथ नहीं दिया। एक दफ़ा मुंशी अब्दुल करीम ने मलका से कहा कि उन्हें नवाब का खिताब दे दिया जाए, मगर मलका टाल मटोल कर गई। यानी मलका उन्हें सर का खिताब तो देना चाहती थी, लेकिन नवाब का खिताब नहीं देना चाहती थी। दोस्तों, मलका विक्टोरिया 22 जनवरी 1901 को अपने ख्याल के किकी से जा मिली। मौत के वक़्त मलका की उम्र 81 साल, जबकि मुंशी अब्दुल करीम की उम्र 33 साल थी। मलका के मरते ही उनके बेटे बादशाह एडवर्ड ने वो तमाम खत और फोटोज जो मलका और मुंशी अब्दुल करीम के दरमियान लिखे गए थे, उनको जला दिया गया। अलबत्ता मलका की मैयत का आखिरी दीदार मुंशी अब्दुल करीम ने ही किया, और उसके बाद तबूत को बंद कर दिया गया था। मुंशी अब्दुल करीम मलका विक्टोरिया की वफात के बाद जितना अरसा इंग्लैंड में रहे, तो उन पर अंग्रेज हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें वापस हिंदुस्तान चले जाना चाहिए। फिर वो जब इंडिया आ गए, तो उन्होंने अपने आबाई शहर आगरा में वैसा ही घर तमीर किया जैसा कि मलका ने इंग्लैंड में उनके लिए बनाया था। मुंशी अब्दुल करीम ने अपने घर के ड्राइंग रूम में हर वो तोहफा जो मलका ने उन्हें दिया था सजा कर रखा, जिसमें मलका की बुढ़ापे की छड़ी भी शामिल थी, और कई एक ऐसे तोहफे थे जिन पर मलका के दस्तखत मौजूद थे। मलका विक्टोरिया के इंतकाल के ठीक 8 साल बाद सन 1909 में मुंशी अब्दुल करीम भी अपने ख्याल के हकीकी से जा मिले। मुंशी की मौत के बाद मलका के बेटे बादशाह एडवर्ड ने हुक्म दिया कि उनके घर में उनकी माँ की जितनी भी बाकियात मौजूद हैं उन्हें भी जला दिया जाए। अलबत्ता अब्दुल करीम की बेवा को आखिरी दम तक हुकूमत बरतानिया से वजीफा मिलता रहा था। मुंशी अब्दुल करीम का इंग्लैंड में जो शाही महल में घर था, जिसे क्रीम कॉटेज कहा जाता था, उसको मलका के छठे वारिस शहजादा हैरी ने अपनी रहायशगाह अब बना लिया है, और मुंशी अब्दुल करीम के स्कॉटलैंड वाले घर को एक शहजादी ने किराए का घर बना दिया है, और कोई भी शख्स 1000 पाउंड के इवज एक हफ्ता उस घर में रह सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी मलका विक्टोरिया और मुंशी अब्दुल करीम की। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो, हमारा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।